हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे हैदराबादी बिरयानी लेयर वाली, जिसमें एक के बाद एक परत लगाती, उसको कहते हैं लेयर वाली बिरयानी। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने कढ़ाई में एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ मैंने करीब एक किलो चिकन लिया है, चार कप मैंने चावल भिगो के पहले से रख दिया है, और यहाँ मैंने तीन अदद टमाटर बारीक काट लिए हैं, ये दो अदद प्याज थी, थोड़ा सा पुदीना है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और कुछ हरी मिर्चें हैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने ली हरी धनिया। अब गरम मसाला देख लेते, उसमें है काली मिर्च, जावित्री, आठ दस छोटी इलायची है, ज़ीरा है ये एक चम्मच, लौंगे हैं करीब सात आठ बड़ी इलायची है तीन, जायफल है, और ये दालचीनी है, थोड़ी सी जावित्री है, ये सब गरम मसाला है, कुछ तेज़पत्ते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने जो तेल गरम कर रखा था उसमें मैंने तीन मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के इसे हमें पिंक करके बिल्कुल उसको बाहर निकाल लेना है, और इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आपको गोल्डन ब्राउन करके हमें प्याज को निकाल लेना है, प्याज के लच्छे इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन जाए तो आप इसे निकाल लीजिए, और ये ध्यान रखिए कि ये जलने बिल्कुल ना पाए। इसी तरह करके हम थोड़ा थोड़ा सारे लच्छे हमने बाहर निकाल लिए और मेरे लच्छे बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए। इधर मैंने तेल में दालचीनी और दो छोटी इलायची डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा तेल में आ जाए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू तेल में आती है। उसके बाद जो हमने चिकन धो के रखा था उस चिकन को इस तेल में डाल देंगे हम, सारा चिकन डाल दिया है हमने। अब इसको थोड़ी देर हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, पाँच मिनट तक के लिए, पाँच मिनट हमें इसे फ्राई करना है। और जब ये हमारा चिकन देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसको मैंने चारों तरफ से पलट पलट के फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने एक लहसुन की पोटी और करीब दो इंच अदरक के टुकड़ा लिया था, वो उसको बारीक पीस के मैंने इसमें चिकन में डाल दिया है, और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से यहाँ मैंने तेज़पत्ता और दालचीनी डाल दिया है। अब इसमें हम नमक डालें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और यहाँ पे हम लाल मिर्च डाल रहे हैं एक चम्मच, आप अपने हिसाब से डालिए आप जितनी खाते हो। और इन सब मसालों को डालने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे अब हमने जिस मसाले में पानी ली, कटोरी में मसाला लिया था, उसी कटोरी को धो के हमें पानी डाल देना है। हम इसे पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमें करीब 15 मिनट तक इसे ढक के पकाना है धीमी स्लो मीडियम गैस पे। और ये देखिए हमारा चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, और चिकन भी मेरा 80% करीब गल चुका है। यहाँ मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, उसके बाद यहाँ मैं एक कटोरी दही फेंट के डाल रहे हैं। दही हमेशा आप फ्लेम को धीमा करके ही डालिए, वरना दही फटने का डर रहता है। दही डालने के बाद हमें इसे खूब अच्छे से मिक्स करना है, और ये जो मैंने खुशबू का मसाला आपको दिखाया था उसे मैंने बारीक पीस लिया है। थोड़ा गर्म मसाला हम यहाँ इस में चिकन में मिक्स करना है, चिकन में मिक्स करके हम इसे खूब अच्छे से चला देंगे। और इधर मैंने अपना पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने कुछ तेज़पत्ते, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा ये डाला है, और ये पानी में हमने गरम होने के लिए रखा है। इधर हमारा चिकन भी रेडी हो रहा है। यहाँ मैंने एक चम्मच केवड़ा जल डाल दिया है, केवड़ा जल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। केवड़ा जल डालने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और हमने यहाँ पर अपने पानी को जो गर्म होने के लिए रखा है उसमें अब हमने नमक मिला दिया है। नमक हमें पानी में थोड़ा तेज़ ही रखा जाता है, और यहाँ मैंने एक चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और अब एक चम्मच मैं यहाँ केवड़ा जल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल इसलिए डाला जाता है कि चावल आपस में चिपके ना। यहाँ थोड़े से हमने पुदीने डाला है, और थोड़ा सा हम यहाँ धनिया डालेंगे। धनिया पुदीने का फ्लेवर पानी में बहुत अच्छा आएगा जब पानी खौलने लगेगा। इधर हम अपने चिकन को भी थोड़ा भून रहे हैं ताकि ये जल्दी से रेडी हो जाए, और तकरीबन ये रेडी है ही है। और इधर हमारा पानी भी हमने अच्छे से चला दिया है, पानी को मिक्स करके ढक देना है, और ये पानी हमारा देखिए कितने अच्छे से बॉयल्ड होने लगा है। बस इसी पानी को जब बॉयल्ड होने लगे तो इस सामान को हमें निकाल देना है, क्योंकि हमें इसका सिर्फ फ्लेवर पानी में चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, वरना ये बहुत ही क्राउडेड हो जाएगा। बस ये सब हमें निकाल लेना है। चावल को हमने जिसको भिगो के रखा था उसको मैंने बिल्कुल पानी को निकाल के एकदम अपने खौलते हुए पानी में डाल दिया है। हमेशा पानी को आप बिल्कुल छान के डालिए, तब पानी बहुत जल्दी ही खौलने लगता है चावल। अब हम अपने चावलों को चेक कर रहे हैं कि हमारा चावल अभी हुआ है कि नहीं। अभी हमारे चावल में थोड़ी सी देर बाकी है, तब तक हम अपने चावल को पाँच मिनट और पकने देते हैं। और अब हम पाँच मिनट बाद अपने चावलों को देख रहे हैं, ये चावल हमारे तकरीबन हो गए हैं, ये एक कनी चावल में रह गई है। चावल देखिए हमारा कितने अच्छे से टूटने लगा है। अब इधर चावल को हम छान ले रहे हैं पानी से, बिल्कुल पानी से हमने अलग कर दिया था,
उसके 5 मिनट रखने के बाद अब हम इसकी लेयर लगा रहे हैं बिरयानी की। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा चावल एक पतीली में डालना है, उसके बाद थोड़ा सा चिकन डालना है। इसी तरह करके आपको थोड़ी सी जो हमने फ्राइड ओनियन, अब जो पुदीना है पुदीने को डालना है, फिर थोड़ा सा हमें धनिया डालना है, इसके बाद हमें टमाटर इसी लेयर पे एक एक करके लगा देना है। अगर आप यहाँ टमाटर कम करना चाहें, 2 लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग टमाटर ज़्यादा पसंद है इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरी लेयर भी हम यहाँ लगा रहे हैं, उसमें मैंने चावल डाला, फिर उसके ऊपर हमने चिकन डाल दिया है, उसके बाद हमने उसके ऊपर फिर से पुदीना और धनिया थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो हमने फ्राई प्याज किया था उस प्याज को इस तरह से क्रश करके डालना है, और जो प्याज पिसा हुआ हमने गरम मसाला लिया है उसको भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा डालना, प्याज हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे टमाटर की लेयर लगा रहे हैं। अब यहाँ हम गरम मसाला डाल रहे हैं। हम पहली लेयर में गरम मसाला और फ्राई प्याज भूल गए थे, तो आप उसमें अपने हिस्से डाल दीजिएगा, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। चलिए यहाँ से अभी हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं, उसमें भी हमने सभी कुछ ऐसे ही डाल दिया है, हरी मिर्च वगैरह, पुदीना, गरम मसाला और फ्राइड ओनियन सब डालने के बाद इस तरह से लेयर हमारी बिल्कुल रेडी हुई। बाद में जो हमारा ये ऑयल बचेगा ये हमें सबसे ऊपर डालना है और मसालों को अच्छे से फैला देना है ऊपर से, ताकि ऑयल जब हम ऊपर से डालेंगे वो नीचे तक पूरे चावलों में जाएगा। यहाँ हमें इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब यहाँ मैं थोड़ा 1 चम्मच केवड़ा जल डाल दिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर जर्दे का रंग डाला है थोड़ा सा, और जर्दे का रंग डालने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था करीब 20 मिनट के लिए। हमारा 20 मिनट हो गया, 20 मिनट के लिए हमने इसे दम लगाया था। देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल कलरफुल शानदार लेयर वाली तैयार है, और आइए अब हम इसे सर्व करके देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत, देखिए कितनी लाजवाब बिरयानी तैयार हुई है। यहाँ बहुत ही बेहतरीन खुशबू इसमें आ रही है, प्लीज़ आप सिर्फ देख सकते हैं, खुशबू मैं महसूस कर सकती हूँ। आप इस तरह से बनाइएगा तो खाइएगा। इसके साथ मैं रायता भी दे रही हूँ, और यहाँ पुदीने इमली की चटनी भी है साथ में। आप जिस चीज़ से खाना चाहे खाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।